पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आई थी कि अगर आप एक डायपोल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसको घुमाते हो आप, आपको वर्क डन करना पड़ता है घुमाने के लिए। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक फील्ड में, आपने उसको रोटेट कर दिया तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा मैग्नेट में या उस मैग्नेटिक डायपोल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने उसमें भी ये स्टार्ट किया था, रोटेशन में वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी है एम बी साइन थीटा। तो मान लो आपने डायपोल को कैसे घुमाया, थीटा वन से लेके थीटा टू, करेक्शन कर लेना थीटा टू, तो एम बी कॉमन आ गया साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करके क्या आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला सेम, उसमें भी यही था, उसमें पीई था इसमें एम बी है। और उसमें भी स्पेशल केस था कि अगर एक एंगल 90 एक एंगल थीटा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस एम बी कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में एम वेक्टर डॉट माइनस एम वेक्टर डॉट पी वेक्टर, उसमें क्या बनता था माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर।